सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा झूठ, यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो और अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। आज का पंचांग 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:20 से 9:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को यानी आज है। आज पंचक भी रहेगा, साथ ही आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी है। सावन के पहले दिन पंचक लगने के कारण यदि आपके मन में रुद्राभिषेक करने में शुभ मुहूर्त को लेकर कोई प्रश्न उठ रहा है तो बता दे कि ज्योतिषी के अनुसार सावन में कभी भी पंचक या भद्रा काल लगता है तो उस समय में पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं होती है। कारण यह है कि भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं और सभी ग्रह नक्षत्र उनके अधीन हैं। इसलिए इस पूरे दिन आप बिना किसी संशय के निश्चिंत होकर व्रत और शिव पूजा अनुष्ठान कर सकती हैं। सिंह राशि 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार, अचानक हुए ब्रेकअप या अलगाव से आप अकेला महसूस कर सकती हैं। इस एकांत से बाहर आए क्योंकि दुखों से भरने का यह सबसे अच्छा उपाय है। जल्दबाजी की फैसले या जोखिम भरे कार्यों से बचें। रचनात्मक शौकों का आनंद लें। परेशान करने वाले मुद्दे भी आज आपको संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। प्रेम और रिश्ते आपके दिमाग को सजीव और फ्रेश कर देंगे। अपने शौक मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निकालें। यदि आपके अंदर किसी चीज का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हर हाल में सफल होंगे। आज आपके किसी भी खास निर्णय में दोस्तों और परिवार वालों की पूरी मदद रहेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति बढ़ रही आपकी आस्था भी आपके दृष्टिकोण में अचानक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। बच्चों का पढ़ाई के प्रति तन्मयता देखकर सुकून रहेगा। किसी भी गलती को नजरअंदाज न करें। आपको मिली सीख महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से जीवन को नई दिशा मिल सकती है। कठिन समय में लोगों का साथ प्राप्त होगा लेकिन परिवार का साथ न मिलने से तकलीफें हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध बदलते हुए नजर आ रहे हैं। करियर संबंधित निर्णय सही साबित होंगे। अन्य लोगों को आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। किसी व्यक्ति की बढ़ती हुई दखल अंदाजी की वजह से रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। ध्यान से काम लेंगे तो दिक्कतें दूर हो सकती है। सावधानियां, किसी भी गतिविधि में सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। ध्यान रखिए आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे सकता है। बेहतर होगा कि एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। शेयर सट्टा आदि जैसे जोखिम वाले कामों से दूर रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। रोमांस तथा प्रेम के खेल का आनंद लेने के लिए आपके प्रयास बेहद जरूरी हैं। अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल बिताएं। याद रखें कोई भी संबंध संपन्न नहीं होता, बस अपने पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज कुछ लोग आपके जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं लेकिन अपने प्रियजनों की मदद से सब कुछ सही हो जाएगा। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है आप
रोमांचक और मनोरंजक महसूस करेंगी। जीवन को जीवंत और कूल बनाने के लिए अपने साथियों को अचानक किस्सा आलिंगन करें। उनका सरमाना आपके प्रेम का सबसे बड़ा गवाह है। बात करते हैं करियर की। आज समय अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने का, नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए आपका डिप्लोमेट स्वभाव आपके करियर को नई दिशा देगा। अचानक डिस्कनेक्शन आपके लिए उदासी का कारण बन सकता है। आज जल्द ही परेशान होने वाले मामलों को हल कर लेंगे। लोग आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से आपको शांति और ताजगी प्राप्त होगी। उन चीजों और गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें जिससे आपको खुशी मिलती है। जब तक आप प्रयास नहीं करते, आप नहीं जान पाएंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं। बात करते हैं सेहत की। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही खुद भी व्यायाम पर ध्यान अवश्य दें। शारीरिक कमजोरी भी दूर करने के लिए आराम करें। आज का उपाय, आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही देवी पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।